चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, हम देख रहे हैं मेवाड़ क्रांति। आज हम आए हैं SGVP स्वामीनारायण जो गौशाला है, जो विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पे गिर नस्ल पे और ऑर्गेनिक खेती पे बहुत ही अच्छा अनुसंधान हो रहा है, काम हो रहा है। इसके लिए अपन मिलते हैं जिग्नेश भाई से। ये बताएंगे अपने वो अपन किस तरह से इसको लिक्विड रूप में हमारा सिस्टम में ड्रिप सिस्टम में डाल करके और खाद का खाद के रूप में यूज करते हैं। ये अपना एकदम शिवम रोता है, ये आपको पूरा लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ये आप देख सकते हैं पूरा लिक्विड में आ रहा है आपको। ये इसको आप डायरेक्ट ड्रिप में डाल सकते हैं या फिर जो अपना पानी बेता है खेत में थोड़ी करके उसमें आप इसको डायरेक्ट डाल सकते हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं जिग्नेश भाई आपको, हमारे दर्शकों को आप बताइए, ये जो लिक्विड है बनता कैसे है, किससे बनता है, इसमें क्या प्रोसीजर है? ये पूरा बनता है अपना गौमूत्र, फिर गाय का गोबर, छाछ, चावल का पानी और दूसरे अपने कल्चर है और फल फ्रूट उसको गला के ये बना सकते हैं। और इसमें अपना जो खाने का जो वेस्ट होता है वो भी डाल के इसको आप इसमें बना सकते हैं। और इसमें गैस भी बनती है? हाँ, गैस भी बनती है इसमें। आपको बायोगैस मिल जाएगा इसमें से। आपका जितना मीटर क्यूब का प्लांट होगा उससे हाफ मीटर क्यूब का आपको इसमें से गैस मिल जाएगा। जैसे अगर आपने 6 मीटर क्यूब का प्लांट लिया है तो उसमें से आपको 3 मीटर क्यूब जितना गैस मिल जाएगा। उसमें से आप दो तीन लोगों का खाना आराम से बना सकते हैं पर डे। इसमें कितना कॉस्टिंग आती है, जैसे आपने ये बना रखा है कॉस्टिंग कितनी है इसमें लगभग? कॉस्टिंग तो अलग अलग प्लांट के हिसाब से अलग अलग रहेगी, लेकिन अपना ये जो जैसे ये 120 मीटर क्यूब का प्लांट है, ठीक है, तो इसमें से पर डे 4000 लीटर का आपको आउटपुट मिलेगा और 4000 लीटर आपको उसमें इनपुट डालना है, तो आपको पर डे 4000 लीटर का आप प्रोडक्शन ले। ये जो पूरा गार्डन दिख रहा है पीछे और जो खेती होती है यहाँ पे वो 100% ऑर्गेनिक खेती है, जैविक खेती है। जो अभी अपन ने देखा था कि प्लांट में जो खाद बन रही है लिक्विड खाद, वो सारा यहाँ पे इसी तरह काम में आता है। ये चीकू है और यहाँ पे सीजन में इतना ज़्यादा फसल आती है कि पेड़ों को सहारा देकर के खड़ा करना पड़ता है, नहीं तो पेड़ टूटने के कगार पर आ जाते हैं। ये सारी जो देन है, सारी सोच है, वो शास्त्री स्वामी जी की है। आप इन्हें नए नए कार्यक्रम बना करके, नए नए नवाचार करके और ये सारा काम किया है। गौ माता को आप ही की देन है जो आज हिंदुस्तान में जो गिर नस्ल है, आपने 52 तरह की गिर नस्ल को डेवलप किया है। अपने यहाँ अभी आपको आगे दिखाएंगे कि कितने नस्ल की गिर है आपके पास, आपने कैसे कैसे उसको तैयार किया है, इससे होता है और बेलों का कितना सदुपयोग होता है वो भी आपने यहाँ पे तैयार किया है, वो भी हम अभी आपको दिखाएंगे। दिग्नेश भाई, ये जो सारा गार्डन दिख रहा है इसके अलावा अपने यहाँ जैविक खेती भी होती है, वो बता सकते हैं आप कहाँ कहाँ होती है, कैसे कैसे होती है? आप पीछे वाले खेत है जहाँ पर चारा लगाया हुआ है गायों के लिए, वो देखें। और उसमें फसल कितनी होती है शास्त्री स्वामी जी? इसमें अपना आम फसल होता है उसे कम से कम 2-2.5 गुना। मतलब सामान्य रासायनिक खेती करते हैं उससे 2.5 गुना ज्यादा होता है, जब घास चारा तो होता ही हमारा जो अभी घास चारा का आप एक जो उसका एक डंडा वजन करेंगे तो भी आपको मालूम नहीं। जैसे सामान्य लोगों के दिमाग में एक बैठा हुआ है एक साइकोलॉजी है कि रासायनिक खाद से फसल ज्यादा होती है बजाय आप इधर देख सकते हो ये मिट्टी है, ये देखिए आप, ये बिल्कुल जो मिट्टी है ये जैविक मिट्टी है और इसमें खुशबू भी है, आप इसको देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। वो इतना तेल लगा है इस समय से ही तो सूर्य प्रकाश भी नहीं आया और दूसरा ये ज्यादा पानी ऐसे रहता है तो और जगह होती तो पूरा कड़क हो जाता। ये बहुत ज्यादा पुराने पेड़ नहीं है, मिट्टी ज्यादा सख्त नहीं, 2-3 साल पुराने पेड़ है और इतने फसल देते हैं। स्वामी जी कितने पौधे होंगे? 40 पौधे। और कितने एक साल में लगभग कितनी क्रॉप? ऐसे तो हम वजन नहीं करते लेकिन बहुत होता है, हम बिक्री नहीं करते, यहाँ पे बहुत जाता है। लगभग एक पेड़ पे ऐसा मानते हैं कि ये 40 पौधे हैं और एक पेड़ पे लगभग 200 से 300 किलो से जब भी ज्यादा फल आते हैं, इससे ज्यादा आता होगा। अपने यहाँ पे 1 एकड़ पे गाय चारा लगाया हुआ है, अपने वहाँ पे पर ईयर 500 टन तक का प्रोडक्शन, 1 एकड़ में लगभग इनका कहना है 500 एकड़ से भी ज्यादा, 500 टन। आप कोई भी खेती करेंगे, गेहूं भी उगाते हैं? गेहूं भी उगाते हैं, दो बार उगाते हैं।
500 टन जितना गायों की जितनी आवश्यकता है घास चारा, गायों का घास चारा है। पर ये गुजराती में होने की वजह से हम आपको एक गाय बिल्कुल हिंदी में बता रहे हैं, खेड़ों काश्तकारों के लिए 100 लीटर बनाने का जीव अमृत बनाने के लिए एक गाय 8 किलो गोबर देती है रोज का और 4 किलो गौमूत्र देती है। आप उनको मिलाइए और एडवांस जीवन 10 लीटर को 50 दिन के पीछे रख लीजिए आप अपने पास में, फिर उसको गोबर को 4 किलो गोबर मिलाना है और गुड़ आता है अपना 2 किलो गुड़ डालना है, 4 लीटर गौमूत्र डालना है, छाछ डालनी है 4 लीटर और चावल का पानी, चावल का मान रहता है वो, या चावल पूरे चावल लगभग 4 किलो वो जो और चावल 4 किलो नहीं पानी माड़े चावल पानी खाली मान पानी 4 किलो 4 लीटर डालना है और चावल अगर डालना है तो लगभग 250-300 ग्राम आप चावल डाल दीजिए। उसके बाद में समुद्री नमक आता है वो 50 ग्राम डालना है, पानी जरूरत के हिसाब से आप मिला सकते हैं अंदर और इन सबको मिला 125 मिलीलीटर टोटल 100 लीटर में डालना है और आपका ये तैयार हो गया लगभग 100 लीटर के बीच। ये 100 लीटर आपका कुल तैयार हो गया, 100 लीटर बनाने का ये सीधा सीधा सिस्टम है और ये आप एक गाय से बना सकते हैं, एक गाय के एक दिन से एक दिन के गोबर और गौमूत्र से आप ये बना सकते हैं। ये सारा सामान इसमें डालना है, कैसे डालते हैं और कैसे क्या सिस्टम रहता है थोड़ा बताएंगे आप? ये 1000 लीटर की टंकी में हम गौमूत्र डालते हैं, गोबर डालते हैं, जो पहले पूर्व में अपन ने बताई थी वो सारी सामग्री इस टंकी के अंदर डाल देते हैं। उसके आगे फिर आप क्या करते हैं, इसको कैसे मिक्सअप करना रहता है, क्या करना रहता है वो बताइए आप। कि हम नाते फिर ये लकड़ी से हम मिक्स करते हैं, हलाते हैं, फिर वो पूरा भरा जाता है, फिर इसमें कर देते हैं। ये कितने दिन में तैयार हो जाएगी? पचास दिन में ये कम्प्लीट होकर के और आपके खाद तैयार है, इसको आप काम में ले सकते हैं। मैं राघव सोमाणी, शास्त्री स्वामी जी, दिनेश भाई के साथ गांधीनगर राजस्थान।